यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरदोई से जिला अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां डॉक्टर पर लापरवाही करने का आरोप लगे हैं। जहां एक महिला को गले में तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था, डॉक्टर ने मरीज को इंजेक्शन लगाने के 200 रुपए की मांग की। परिजनों ने पैसे देकर इंजेक्शन लगवा लिया, लेकिन इससे मरीज की हालत बिगड़ने लगी। परिजनों ने दोबारा इलाज के लिए बोला तो डॉक्टर ने फिर परिजनों से पैसे मांगे, लेकिन उस समय पैसे देने के कारण डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया और मरीज को इलाज ना मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों ने डॉक्टर पर और भी आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर ने मरीज को गलत इंजेक्शन लगाया है और इस कारण मरीज की मौत हुई है। साथ ही परिजनों का कहना है कि नर्स का बुलाने गई तो वहां पर वार्ड के ड्यूटी रूम में ताला लगाकर आराम कर रही थी। तो आपको बता दें, एक बहुत ही विभत्स घटना सामने आई है, जहां पर जिसे इंसानों का भगवान यानी कि डॉक्टर कहा जाता है, उसके लापरवाही का मामला सामने आया है। एक महिला को महज गले में दर्द था और वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर 200 रुपए मांग कर पहले तो उसे इंजेक्शन लगाता है, लेकिन और तबीयत बिगड़ने पर वो उससे और भी पैसे मांगते हैं, लेकिन इसके बाद महिला की मौत हो जाती है। इलाज महिला को टाइम पर नहीं मिल पाता है, जिस कारण परिजनों में अब रोष साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि परिजन जो हैं वो काफी आरोप लगा रहे हैं, डॉक्टरों पर आरोप लगा रहे हैं, साथ ही नर्स जो वहां पर थी, ड्यूटी पर मौजूद थी, उस पर भी आरोप लगा रहे हैं कि वो वार्ड में ताला जड़कर आराम फरमा रही थी।